हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं व्हाइट सॉस पास्ता, जो बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बच्चों को पसंद है और यूनिक भी है। चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ व्हाइट सॉस पास्ता। तो उसके लिए मैं क्या क्या ली हूँ, इंग्रेडिएंट्स आपको बता रही हूँ। ये रहा मेरा कॉलीफ्लावर, ये फूल गोभी कहते हैं। ये एक पत्ता गोभी है। ये लहसुन कट कर ली हूँ मैं, लहसुन है 4-5 कलियाँ मैं बड़ी बड़ी कट कर ली हूँ। उसके बाद ये हरी धनिया की पत्तियाँ हैं, ये अदरक है, ये है मैदा, और मैदा ये हरी मिर्च है, ये ऑरिगेनो है, ये यहाँ पे ये चीज़ है। चीज़ को मैं फ्रिज से थोड़ी देर पहले निकाल ली हूँ, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए जो ग्रेट करने में आसान हो। ये सूतगी है, ये थोड़ा सा डार्क हो गया इसलिए कि अब मैं घर में तैयार की, थोड़ा ज़्यादा कड़क हो गया इसलिए, लेकिन घर का शुद्ध घी है तैयार किया हुआ। ये हरी धनिया की पत्ती है, ताजी लाई हूँ जो मैं इसे सर्व करने में। ये प्याज है, ये टमाटर है। इधर मैं पास्ता को बॉयल करके रख ली हूँ। तो चलिए अब मैं बनाना शुरू करती हूँ, इंडक्शन को अपना ऑन करती हूँ। तो इधर मैं सारा इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा चुकी हूँ, और यदि आपको नॉर्मल पास्ता बनाने के देखना है विधि या कैसे बनाई हूँ, तो मैं अपना वीडियो डाली हूँ, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहेगा, देख लीजिए या आई बटन दबा के आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करती हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगाती हूँ। पैन मेरा गर्म हो चुका है, मैं बॉयल कर ली हूँ उधर पास्ता, इधर तेल डाल रही हूँ। तेल मेरा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज मेरा पक चुका है, अब मैं इसमें डालती हूँ अदरक। अब मैं बाकी सारी सब्जियां इसमें डाल रही हूँ। नमक स्वाद के अनुसार डालती हूँ, स्वाद के अनुसार नमक दे रहे हैं। इसे हम हेल्दी बनाने के लिए हरी सब्जियां डाली हुई हैं। इसे आप चाहे तो मैं तो व्हाइट फूल गोभी डाली हूँ, आप इसमें ब्रोकली भी डाल सकते हैं और कोई भी सब्जियां इसमें आप डाल सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। सब्जियां मेरी पक चुकी है, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। सब्जियां मैं निकाल ली हूँ, अब मैं इसमें व्हाइट सॉस के लिए सॉस बना लेती हूँ। तो ये 2 चम्मच बड़ी चम्मच से मेरी शुद्ध घी है, देसी घी है, और इधर जितना मैं घी ली हूँ उतना ही मैं डालूँगी इसे रोस्ट करने के लिए। ये याद रखें फ्रेंड, जितना घी रहेगी उतना ही मैदा लेना है, तब ये अच्छा बनेगा। इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे जो कि कच्चापन नहीं रहे, इसे अच्छी खुशबू आ जाए, कच्चापन ख़त्म होके खुशबू अच्छी आ जाए। ये मेरा हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मेरा हो गया है और इसका कंसिस्टेंसी ऐसा ही होना चाहिए और लम्स नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें ऑरिगेनो यहाँ पे रखी हूँ, ये मैं डाल रही हूँ, और रेड चिली फ्लेक्स रस डाल रही हूँ। ये रेड चिली फ्लेक्स मेरा घर का तैयार किया हुआ है। अब मैं इसमें सारा चीज़ डालती हूँ, सब डाल। अब ये व्हाइट सॉस पास्ता मेरा रेडी हो गया सब चीज़ डालने के लिए। अब मैं इसे अच्छी तरीके से पेस्ट कर देती हूँ, सबको मिला देती हूँ। और अब मेरा देखिए रेडी हो गया है व्हाइट सॉस पास्ता, बनके एकदम परफेक्ट हो गया है सर्व करने के लिए। मैं इधर चीज़ को ग्रेट करती हूँ। अब
अब मैं इसे ग्रेट करके डाल रही हूँ। अब मेरा बन के रेडी हो गया फ्रेंड, अब मैं इसे बंद कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड, मेरा व्हाइट सॉस पास्ता बन के रेडी हो चुका है, इसे मैं सर्व कर चुकी हूँ। तो देखिए, ये डेकोरेट भी इसको कर दी हूँ। आप लोग को यदि ये मेरा चैनल अच्छा लगे रेसिपी, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, जो मुझे आगे दूसरे रेसिपी में हिम्मत बढ़े और मैं आगे बढ़ूंगी। तो अब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, फिर मिलती हूँ अगले न्यू रेसिपी के साथ। ये मेरे चैनल का जो लोगो है, इससे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो जो है स्क्रीन पर मेरा आने वाला, आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा।